नमस्कार, खाते रहिए खिलखिलाते रहिए के इस एपिसोड में हम आपके लिए लेकर आए हैं एक बहुत ही रुचिकर, स्वास्थ्यवर्धक और पुष्टिकारक भोजन, खिचड़ी। नमस्कार, आज मैं आपको भारत में सबसे अच्छी माने जाने वाली एक डिश बताने जा रहा हूँ, जो कि एकदम सुपाच्य तथा पौष्टिक है। इस भोजन की बराबरी कोई और डिश नहीं कर सकती। इसके लिए करना क्या है, सबसे पहले छिलके वाली मूंग दाल और चावल, टुकड़े वाली हो तो और भी अच्छी, मोगरा चावल लें या कोई भी अन्य खुशबूदार चावल, उसे अच्छी तरह से 3-4 बार रगड़कर साफ कर लें। इसके साथ हम इस्तेमाल करेंगे पालक, धनिया, थोड़ी सी अजवाइन, जो कि इसकी गुणवत्ता को और भी बढ़ा देगा। बस अंत में तड़का लगाने के लिए मिर्ची और जीरे का इस्तेमाल करेंगे, जिसे कि हम घी बघारेंगे। दो और इंग्रेडिएंट है जो कि काम आएंगे इसके साथ, वो है अदरक, हल्दी और दो टमाटर लिए हैं हमने मीडियम साइज के, 3 हरी मिर्च ली है। साथ में इस्तेमाल करेंगे दही का। तो चलिए अब हम बनाते हैं भारत की यह पारंपरिक और सर्वोत्कृष्ट सुपाच्य पौष्टिक खाना, खिचड़ी, अपने अंदाज में। पानी डाल लेते हैं। प्रेशर कुकर का भले ही मैंने इस्तेमाल किया है, लेकिन इसको ढकूंगा नहीं, क्योंकि यह चावल और मूंग की दाल खुद ही सॉफ्ट होती है और अधिक समय नहीं लेगी। और इस हल्की वाली खिचड़ी के लिए शर्त है कि पानी कम नहीं पड़ना चाहिए, पतली रहे तो ही स्वादिष्ट होती है। अब मैं इसमें भिगो कर रखी गई दाल और चावल डालता हूँ। सबसे आसान भी है बनाने के लिए, खास करके बैचलर रहने वाले या स्टूडेंट्स के लिए यह सबसे आसान रेसिपी है और कंप्लीट भी। एक ही बार में आपको दाल, चावल, सब्जी, सभी चीजें मिल जाती हैं। दादाजी ने मुझे सिखाया था कि एक भी अनाज का दाना बर्बाद नहीं होना चाहिए, इसलिए मैं चुन चुन कर सभी दानों को इसमें डाल रहा हूं। अब मैं इसमें डालता हूं हल्दी, हल्दी जो कि रंग लाता है, साथ ही साथ घर की पिसी हुई हल्दी है तो इसमें रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने की शक्ति भी बहुत होती है। आजकल बीमारियों का दौर चला हुआ है, ऐसे में कहा भी जाता है कि दूध में हल्दी मिलाकर पिए। ऐसे भी अगर कोई बीमारी होती थी, सर्दी खांसी या चोट लग जाए, तो दूध में हल्दी मिलाकर पीने का हमारे यहाँ रिवाज रहा है। अब मैं इसमें डालूंगा अदरक। दूसरे के किचन में काम करने का यही नुकसान होता है कि आपको हर चीज के लिए दूसरे पर आश्रित रहना पड़ता है। इस खिचड़ी को आप कोरोना स्पेशल खिचड़ी भी कह सकते हैं। सप्ताह में 2 दिन खाइए, इसके खाने का कोई वक्त नहीं होता, कभी भी खा सकते हैं। कुछ लोगों को मैंने रात को
खाने के रूप में खिचड़ी घी खाते देखा। खिचड़ी की सबसे बड़ी विशेषता है कि बनाने में भी आसानी और पचने में भी आसान, ईंधन का भी कम खर्च। अब मैं इसमें डालता हूं हरी मिर्च। बस चीरे लगाकर डाल देता हूं, बाद में यह गल जाएगा। सादे खाने में थोड़ी सी मिर्च होने से ठीक रहता है। टमाटर डाल देता हूं। मैंने इसमें लहसुन प्याज का नहीं किया है, आप चाहे तो कर सकते हैं। लहसुन भी एक औषधीय सब्जी है, इससे भी बहुत फायदा होता है। आर्थराइटिस, गठिया जैसी बीमारियों में, डायबिटीज और कोलेस्ट्रॉल में भी लहसुन से बहुत फायदा होता है। मैं थोड़ा अजवाइन डालता हूँ, यह भी इसकी स्वाद को बढ़ाएगा और पचने की क्षमता को भी। इसमें पालक डाल देता हूं, जिसे कि काटा भी नहीं है, बस इसी में गल जाएगा। ये घर का पालक है, इसलिए यह हमें दो तरह के फायदे देता है। एक तो हरी सब्जी जो कि सबसे अच्छी होती है, और दूसरी घर का होने का मानसिक संतोष है। तो जिसके पास थोड़ा सा भी जगह हो, नहीं भी हो तो छत पर भी, गमले में भी कर सकते हैं। ये पालक मेरा गमले में ही उगाया हुआ है। पिछली बार मैं देवघर से इसके बीज लेता आया था और गमलों में लगा, 3-4 गमलों में लगाया, 6-7 बार काट चुका हूँ। हर सप्ताह यह कटने लायक तैयार हो जाता है, कम से कम खिचड़ी में मिलाने लायक तो हो ही जाता है। अब एक बार इसे मिला देता हूं। स्वादानुसार नमक डालिए, नमक थोड़ा कम ही रहे तो ब्लड प्रेशर के लिए अच्छा रहता है। और सहूलियत है, अगर कम हो जाए, किसी को चाहिए तो ऊपर से डाल सकते हैं, परंतु अगर अधिक हो जाए तो फिर क्या कर सकते हैं, आप ही बताइए। मेरे पास तो एक नुस्खा है, थोड़ा सा नींबू डाल सकते हैं, मगर उससे भी काम न चले तो बस चुपके से पानी गर्म करके मिला दीजिए, अच्छे से यूं चला दीजिए। प्रेशर कुक तो करना नहीं है, पर गैस बचाने के लिए जरूरी है कि इसको ढक दिया जाए। इस बीच मैं दही को फेंट लेता हूं और फिर पहले ही डाल दूंगा। तो मिलते हैं अब खिचड़ी पकने पर। तकरीबन 7 मिनट हो चुका है और ये देखिए रंग दिखने लगा है, उबाल आ चुका है। कुछ हल्का सा ऊपर नीचे कर देते हैं। मेरे चाचा कहते थे
सिर्फ सामान डालने से खाना अच्छा नहीं बनता, अंग लगाना होता है, मतलब मन लगाना होता है, थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है, अपने अंदर की भावना से खाने में स्वाद आता है, न कि तेल और मसाले से। सिर्फ देखने से ही लग रहा है कि अच्छा हो रहा है। अंत में जाके पानी थोड़ा कम पड़ जाएगा, उस समय मुझे फिर से पानी चेक करते रहना पड़ेगा बीच बीच में और डालते रहना पड़ेगा। आधा घंटा से ऊपर हो चुका है और मध्यम से लेके लो आंच में हमने इसे पकने दिया है। बिल्कुल की खिचड़ी तो नहीं, लेकिन हमारी खिचड़ी पक चुकी है। इसे थोड़ा सा चला देता हूँ ताकि एक कंसिस्टेंसी ठीक ठाक सी लगे, पानी अलग चावल अलग जैसा नहीं हो। इसमें सभी कुछ दे चुका हूँ, बस धनिया पत्ता, एक घंटे में स्लो कुकिंग के जरिए हमारी खिचड़ी पक गई। गैस बंद करता हूं। थोड़ा सा टेम्परेचर डाउन होने देता हूं, फिर आज का लजीज खाना, हिंदुस्तान का अपना खाना, शुद्ध स्वादिष्ट और सादा खाना, खिचड़ी। मेरी खिचड़ी की कंसिस्टेंसी देखिए, ये बिल्कुल मिक्स हो गया है, पानी और चावल अलग अलग बिल्कुल नहीं होता, और यही है एक परफेक्ट खिचड़ी की पहचान। सरसों तेल, शुद्ध सरसों तेल पतंजलि का, उसी में इसका तड़का लगाना ज्यादा ठीक रहेगा। और चूंकि नींबू का इस्तेमाल इसके साथ किया जा सकता है, तो इस तड़के में वो ज्यादा सूट करेगा रादर घी के। तो इसमें ज्यादा कुछ नहीं देना है, बस सरसों तेल, हींग, लाल मिर्च और सरसों भी, बस गर्मा गर्म परफेक्टली ब्लेंडेड खिचड़ी रेडी फॉर लंच। ये हींग, जीरा, लॉट ऑफ जीरा, सरसों ज्यादा नहीं, बस। खिचड़ी का असली मजा तो तब देखने में लगता है जब ये तड़का उसमें डलता है, तो मिर्ची की सौंधी सी महक नाक में पड़ते ही जब छींक आने लगते हैं, तो समझ जाइए आप कि खिचड़ी बीरबल वाली नहीं, जायके वाली खिचड़ी बनी है।
खिचड़ी के साथ चोखा या भरता का भी रिवाज है, जो कि हमारा ये पहले से रेडी है। अब देखिए, छींक लाने वाली छौंक लगने वाली है हमारी शाही खिचड़ी में। इसके लिए ढक्कन पहले से तैयार कर लिया गया है बचाने के लिए। वैसे लग भी जाए तो कोई बात नहीं है, नाक साफ हो जाएगा। आप सुन पा रहे होंगे इसकी सनसनाहट, छनछनाहट, झनझनाहट। और अब हमारी खिचड़ी तैयार है आज के खाने के लिए। जाहिर सी बात है, जब अंग लगाया गया है, जब मन लगाया गया है, तो अच्छा होना ही है। चलिए अब अगली रेसिपी में आपसे फिर मिलेंगे। ये देखिए, रही सही कसर, इससे इसकी दूर हो जाएगी। तो मजे लीजिए आप भी हमारे साथ। साथ में पापड़ रोस्ट कर लीजिए और दही मिलाकर खाइए। तो अब शुरू होता है हमारा हिंदुस्तानी लंच। आप भी बनाएं तो शेयर करें। खाते रहिए, खिलखिलाते रहिए।